तो 3 ईयर का एक एग्जाम्पल बचाता वो ये है कि देखिए सुनिए, एनी शूट कोई भी मामला केस केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दो, अगर सरकार द्वारा या सरकार के किसी व्यक्ति नामित जो बिहाफ में करते हैं उनका कोई केस हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जेएन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें जेएन के भी आ रहा है, इनमें से कोई भी सरकार या उसका कोई बिहाफ पे कोई भी केस अगर लगाना है तो वो आपको 3 साल के अंदर लगाना है। उसके लिए कोई भी मामले का केस हो सबके लिए 3 साल, यानी सरकार किसी के लिए 3 साल तक जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये 3 साल वाली लागू नहीं होती। समझिए बात को, सरकार कोई सी भी हो या उसका कोई बंदा अगर कोई केस लगाना चाहता है किसी भी मामले में तो उनके लिए कितना है 3 साल। तो वो जो पुराने 3.5 साल के पड़े तो सरकार वाले भी कितने हैं 3 साल के, ठीक है। अब एक बात सुनिए, अब 2 और ईयर आ गए यहां पे 12 और 30, तो 12 और 30 में क्या है, 12 और 30 में ध्यान रखिए कि मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, तो मॉर्गेज के केस या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई अगर आपका मनी लैंड हुआ है उस केस में 12, आपको ध्यान होगा कि जब भी आप हाउसिंग लोन देते हैं या केसीसी कार्ड देते हैं या ट्रैक्टर का लोन देते हैं या एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट देते हैं, कमर्शियल लैंड के अगेंस्ट देते हैं, तो आप 12 साल मंगवाते हैं, जो कि 13 साल का होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसमें वो 12 साल पूरे प्लस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसको 12 साल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 12 साल, कानून ने बोला हुआ लीगल है 12 ईयर, लेकिन वो 13 साल का, जिसको हम आमतौर पर इस नाम से जानते हैं NEC, नॉन इनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट, इस नाम से भी जानते हैं NEC, नॉन इनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, वकील निकाल के देता है। अब दूसरा केस देखिए 30 साल, ये 30 साल में क्या, आपने देखा जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं वकील से तो रिपोर्ट 12 साल की मंगाते हैं, लेकिन उसके सारे कागज 30 साल के मंगाते हैं। ऐसा क्यों, इसलिए कि जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, एक तो मनी का डिस्प्यूट होगा, एक कब्जे का हो गया, जी साहब इसने मेरी जमीन दबा ली, ये मेरा हट नहीं रहा, तो वो आदमी तो 30 साल तक जा सकता है, लेकिन पैसा लेनदारी का मामला होगा तो 12 साल तक जा सकता है, ठीक है। अब दिया हुआ आंसर उसमें 30 ईयर्स, क्या दिया हुआ अगला 30 ईयर्स, क्या दिया हुआ अगला 30 ईयर्स, तो 30 ईयर वाला आंसर कब होगा, एक दिया हुआ है 12 साल, एक दिया है 30 साल। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम हाउसिंग लोन देते हैं तो 30 साल का भी जिक्र आता है, क्या जिक्र आता है 30 साल क्या चाहिए, इसकी वैलिडिटी है, तो उसका रिन्यूअल होता है, नहीं नहीं नहीं, इसलिए 30 साल चाहिए कि लोन ना लिया उसकी जांच तो हमने करी 12 साल की, 30 साल का क्या चाहिए, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और डिस्प्यूट किस चीज का, दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, यानी जमीन के डिस्प्यूट अदर देन द पैसों का मामला कोई भी कोर्ट जा सकता है 30 साल तक। एक बच्चा है 4 साल का, बड़ा हुआ कमाने लगा, उसे कानून समझ में आया, उसने चाचा के खिलाफ केस कर दिया कि साहब इन्होंने हमारी जमीन हड़पी है, कितने साल तक जब समझ में आ रहा, दोनों बातें फर्क 12 साल है, किसी फाइनेंसर ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो लोन दिया उसका क्लेम, 30 साल क्या है एक्विजिशन का डिस्प्यूट। अब एक बात सुनो कि बैंक ने 12 साल तक लोन का तो डिफॉल्ट नहीं केस किया, लेकिन उसको पहले से इस बात का हक था कि मैं इस जमीन को ले लूं बिना कोर्ट के, उसने 30 साल तक कब्जा या नहीं, दोनों अलग अलग चीज है, मेरा अधिकार है कि ये दुकान मेरी है,
और मैं 40 साल बाद आके देख रहा हूँ तो यहाँ ताल लगा पड़ा, किसी ऑन लगा रही और किसी दुकान चल रही है, तो मैं कोर्ट नहीं जा सकता। तो बैंक में दो दो मामले होते हैं, पैसा वसूलना, अब एक तो पैसा वसूलना हुआ उसके लिए तो 12 साल तक रखा, पैसा तो नहीं वसूलना, नहीं नहीं वसूल पा रहा, ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो उसके लिए 30 साल। और वो कैसे प्रूफ होती है, इसको बोलते हैं 30 साल का जो हम मंगाते हैं उसको बोलते हैं टाइटल ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं? टाइटल चेंज बोलते हैं, टाइटल चेंज। टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब डीड, जो आपकी रजिस्ट्री है। आप किसी से फ्लैट लेने चले गए, जमीन लेने चले गए, उसने साहब मैंने पिछले साल खरीदी थी, उसने पिछले साल वाली रजिस्ट्री दे दी आपको और आपने रजिस्ट्री करा ली, एक बात हो गई। उस रजिस्ट्री से उससे पहले वाली जो थी उससे उसने दूसरे करा ली थी, तो हम कहते हैं भैया पुरानी 30 सालों की जितनी रजिस्ट्री मेरे को लाएगा तो मैं जमीन खरीदूंगा। आज ईयर चला 2018 में अगर आप कोई जमीन खरीदने जाए तो उसकी 30 साल पहले यानी कब तक 88 तक का अगर एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा, वो दिखा रहा है कि 15 साल पहले शर्मा जी ने खरीदी थी, 23 साल पहले उन्होंने वर्मा जी से ली थी और वर्मा जी के पास 50 साल से, तो पूरा 30 का हो गया, यानी 30 साल का लिंक मिलना चाहिए। और अगर आपके पास 30 साल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं और आपने रजिस्ट्री करी है तो ये समझो कि जो भी कोर्ट जाएगा तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएगा ना, वो है नहीं उसके पास, बात समझ रही? तो 12 साल और 30 साल किस मामले में? मॉर्गेज के मामले में। ठीक है, यहाँ पे एक बात और है, पजेशन की बात आती है। पजेशन में क्या है कि आपने पूरा आदेश मिल गया कोर्ट ने कहा कि इनकी जमीन आप ले लो क्योंकि इसने आपका पैसा देना है, आप वहां बैठे थे, क्या हुआ आपका ट्रांसफर हो गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया और 12 साल पूरे हुए। इस केस में क्या होगा, ये जो 12 साल है 12 साल तक अगर आपने उसका पेंशन नहीं लिया तो 13वें साल में आप उसका पेंशन, यानी 12 ईयर के बाद 13 ईयर में आप उसको कुछ नहीं कह पाओगे। और ये 12 साल एक जगह और आता है कि डिग्री, देखो डिग्री का क्या मतलब है कि कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया आपको, जिस दिन डिग्री हुई यानी फाइनल आदेश दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है कि आपको इससे 10,000 रुपए लेने, तो आपको कब तक करने पड़ेंगे? 12 साल तक। 13वें साल में उसे ये नहीं कह सकते कि सन 1980 में कोर्ट ने एक आदेश दिया था उसमें ऐसा था, वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक आंसर अल्टीमेट होता है 30 ईयर। कहते हैं ऑल अदर केसेस, जो कहीं पे भी कुछ ना लिखे हो, जिनके बारे में कोर्ट में कोई जिक्र ना आया हो फिर भी डिस्प्यूट है, उस केस के लिए कितने साल है? 30 साल। तो 30 साल मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो ये हमने सारा क्या पढ़ा, लिमिटेशन एक्ट के पीरियड पढ़ लिए। चलो और देखिए, देखो इसमें लिखा हुआ पजेशन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, एक बात आई पजेशन लेने, तो इसमें बोलता है एक तो है पजेशन लेने के लिए कोर्ट जाना, एक है कोर्ट ने आदेश कर दिया चारों पापों को, कोर्ट ने कह दिया हाँ जी आप पजेशन ले लो, ये आदेश ले लो, और हमारा ब्रांच मैनेजर आया दराज में रख दिया, ट्रांसफर हो गया, अगला आया, पिछला आया, तो कब तक वो कागज वैलिड है बोलिए? पजेशन जो है वो 12 साल, 30 साल काहे के लिए फिर से बताइए, 30 साल काहे के लिए है? कोर्ट जाने कि साहब ये जमीन मेरी है, 30 साल बाद आप कोर्ट गए, 30 साल के अंदर कोर्ट चले गए, 5 साल में कोर्ट ने आपको डिसीजन दे दिया, 2018 में कोर्ट गए, 2023 में लेट्स से सपोज कोर्ट ने डिसीजन दे दिया आपको क्या पोजीशन दे दिया कि भैया पोजीशन ले लो, 35 तक ले लेना पोजीशन। हाँ, फिर सो गए, तो वो जो है
2035 तक अगर आपने पोजीशन ले लिया तो ठीक है, फिर वही 2037 में चले गए, चाहे डीएम को ले आओ एसडीएम को ले जाओ, फिर वही कहानी होगी 2018 से पहले की होगी, वो आपसे पोजीशन ले रहा, वो सारे मेहनत आपकी खत्म हो गई। तो और इसी में एक आंसर और है कि ये तो बात है पोजीशन वाली, इसको बोलते हैं डिग्री कोर्ट, डिग्री इज मींस कोर्ट का कोई फाइनल ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अब अपील होने की गुंजाइश नहीं है। तो जहां पे फाइनल ऑर्डर आता है उसका एग्जीक्यूशन आपको 12 साल में कर लेना है, यानी बैंक के फेवर में कोई डिसीजन आ गया तो अगर आप कब्जा नहीं लोगे 12 साल के अंदर, वो किसी तरह बच जाए 12 साल तक, फिर आप नहीं कर सकते उसके पास। तो इसीलिए क्या है कि डिक्री फाइनल ऑर्डर या, और ये सब पोजीशन वाले रूल्स हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्या है, हाँ अपील आ गया। देखो देखो अभी तक वो था, अब क्या आ गया अपील। अपील के लिए रूल्स क्या है, अपील कहाँ होती है, हायर कोर्ट में होती है, लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील हो रही है। तो ये जो अपील है अपील आपको कहीं करनी है तो या तो आप कहां करेंगे, हाई कोर्ट में, या कहां करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये जो जर्नल हम बता रहे हैं उसके अलावा जितने भी अलग से एक्ट हैं जैसे डीआरटी सब लगेंगे, आरटीआई वो अभी अपील होती ना आपका सरफेसिंग, इन की अपील के दिन उन्हीं एक्ट में दिए हुए हैं। ये हम कौन सी अपील की बात कर रहे हैं, जो अपीलें आपकी कहां होती है, सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिए गए हैं 90 दिन, और हाई कोर्ट आप कहां जाएंगे, छोटे कोर्ट के डिसीजन को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उसके अगेंस्ट अपील करनी है तो 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो 30 डे तक जाएंगे। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, तो लोअर कोर्ट प्लस 90 डेज अगर होंगे तो कहां जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस 30 डे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे एक चीज बता सकते हो कि देखो हाई कोर्ट जाने के लिए तो 90 दिन लग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने में इतना कम समय क्यों दे रहा है, क्योंकि सर आज सारा कुछ तो हो रखा है सुनाई सुनाई जो भी लगना लगना है, क्योंकि हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं जो उसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन का सिस्टम है सही वो सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है। और अपील के बाद 90 दिन मिलने आप ढंग से बना के ले जाओ, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा अब इसमें कौन सा लगे कोई नहीं। तो ये हमने जो भी बात करी किसकी बात करी, जितने भी डेट वाइज क्वेश्चन है और बेसिक बताया, कुछ थ्योरी का पार्ट जो है और बताते हैं इसमें, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक्ट गिविंग राइज टू फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी हमसे कोई गलतियां हो गई क्या क्या बचने के उपाय हैं इसमें, तो क्या बचने के उपाय हैं, सबसे पहली बात कैसे बच सकते हैं हमने बताया था, बताऊं आपका एक लोन का डॉक्यूमेंट का डेट 3 साल से ज्यादा, फर्स्ट वे इज टू टेक अ फ्रेश कंसेंट, तो क्या है रिवाइवल लेटर, और वो रिवाइवल लेटर नहीं दे रहा साइड पेन देने रिवाइवल लेटर नहीं दे रहा क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंप ड्यूटी होगी रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स पर बैंक से पे करके उसको कर सकता, वो दे ही नहीं रहा रिवाइवल लेटर। अच्छा रिवाइवल लेटर कितने रुपए के स्टैंप पे लिया था, 100 रुपए में रिवाइवल लेटर तो नहीं है, 100 कम हो गया, ये तो नहीं ₹10 का क्या रेवेन्यू स्टैंप। दूसरा वो बात था जो इन्होंने टाइम बार्ड वाला, तो वो भी क्या है
रिवाइवल लेटर है बट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द कौन से डॉक्यूमेंट बोथ आर नोन एज रिवाइवल लेटर दिस इज फॉर द अंडर थ्री ईयर और लिमिटेशन के अंदर वाला दूसरा वाला टाइम बार्ड के लिए और टाइम बार्ड का डॉक्यूमेंट रिवाइवल होता है दिस इज ऑन 100 रुपी क्या स्टैंप पेपर देख लो ये 10 रुपए है 10 रुपए के स्टैंप ड्यूटी पर व्हाट इज स्टैंप टिकट पर जो स्टैंप होता है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंप रिवेन्यू स्टैंप एंड स्टैंप पेपर सर रिवेन्यू स्टैंप तो पोस्टल डिपार्टमेंट को खर्चा हो गया ये कोर्ट का खर्चा हो गया तो उस दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है क्या सर हाँ तो ठीक है रिवेन्यू जो स्टैंप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे खजाने में जाता है रिवेन्यू स्टैंप अच्छा हाँ और जो स्टैंप पेपर है वो स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप पेपर सेंट्रल का नहीं आता ठीक हो बात तो एक तरीका हो गया तीसरा तरीका क्वेश्चन आपके में आएगा आउट ऑफ विच इज नॉट द वे टू रिवाइव द डॉक्यूमेंट लीगली या विच इज वे तो दो बता दिए हमने तीसरा वो अपनी ईएमआई दे रहा है आपको किससे चेक या इसी से समझे अच्छा आपको पता है कि 60 चेक ले लिए हमने उसके ले लिए ना लगे जा रहे हैं आज 5 साल हो गए और हमें अरे ये तो 3 साल हो गए चिंता करने की जरूरत क्यों ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ द सब्सिक्वेंट चेक्स डेबिट और ईसीएस डेबिट इज नोन एज द कंसेंट ऑफ द बोरोवर कि आई एम रिपेइंग द मनी टुवर्ड्स माय ऑलरेडी टेकन लोन्स ठीक है अब आपको एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताते हैं कभी देखा प्राइवेट बैंक वाला रिवाइवल लेते थे पहले चेक ही ले लेते हमारा ऑडिटर आएगा लिख के जाएगा 5 अकाउंट में रिवाइवल नहीं है और कुछ नहीं बात प्राइवेट वाला मैंने कभी नहीं सुना भैया रिवाइवल उनके लिए यही काम वो काम करते हैं लॉ पे लॉ के हिसाब से हम ज्यादा ध्यान देते हैं प्रैक्टिस पे किसाब वो पुराने वाले शर्मा जी तो ऐसे बोला था लाल पेन से लिखते थे मैं वैसे ही लिखूंगा ठीक है तो समझ में आई अगर लॉ पक्का है तो कोई डरने की बात नहीं क्योंकि उनके वहाँ एग्जीक्यूशन भी आसान है उनके वहाँ टीम बैठी है तुरंत केस डाल रही हमारे वहाँ तो अरे यार वो तो प्रधान जी आया छोड़ो आपके है ठीक है बात समझ आ गई लेकिन चेक और ईसीएस है क्योंकि ये मोड उसकी करंट एग्जिस्टेंस एक्सेप्टेंस को बताते हैं चाहे उसने पासबुक एंट्री कराई ना या ना कराई ठीक है अच्छा अब साहब ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा ना वो चेक से दे रहा ना ईसीएस से दे रहा कैश भी तो दे सकता हो गया सर उसका फिजिकल प्रेजेंट हो गया उसने अपने बच्चे को कहा जब बेटा मेरे खाते में 500 रुपए जमा करा इस महीने की ईएमआई माना जाएगा नहीं माना जाएगा क्यों नहीं माना जाएगा सर रोल नहीं माना जाएगा अच्छा हाँ हो सकता है वो तो चल लेकिन वो तो किसी भी केस में होता है डिपॉजिट सेल्फ सिग्नेचर से उसकी प्रेजेंस प्रूफ करनी पड़ेगी आपको खुद के सिग्नेचर से जमा कर रहा है तो माना जाएगा ना और अरे मैं आपका दुश्मन हूँ और आपने 2 करोड़ का लोन ले रखा और मैं जो जिसने ले रखा है आपने 2 करोड़ का लोन और आप 4 साल से बैठे हुए मेरे को बैंक जाना ही नहीं दिखना ही नहीं है और मेरा 3 साल हो जाएगा और वो जो है हर महीने जाके 100 रुपये जमा कर दिया आपके नाम फिर नहीं होगा ना ठीक है अच्छा पांचवा इसके लिए एक लाइन आती है Every cash deposit or payment of EMI or payment of installment partially or fully is a fresh mandate, a fresh consent. ठीक है? अच्छा. अब देखिए पांचवा नंबर. Balance confirmation. कि भैया तेरे पास पैसे नहीं है मत दे.
सिर्फ ये कह दे कि आज की तारीख में मेरा 232,000 का लोन बकाया है, तो बैलेंस कंफर्मेशन। बैलेंस कंफर्मेशन जो होता है वो कितने रुपए के उस पर होता है? 1 रुपए के रिगर्ड स्टैंड है। ये समझ नहीं आया सर, बैलेंस कंफर्मेशन मतलब? एक कागज होता है जो जिन्होंने एडवांस में काम किया वो देखते हैं, इतना डिजाइन कागज होता है, उसमें लिखता है मैं फलाना फलाना मेरा अकाउंट नंबर इतना, कि आज की तारीख में इतना बैलेंस है, मैं इसको एक्सेप्ट करना होगा। मतलब एक तरह का रिवाइवल ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या कहता है? फ्रेश लिमिटेशन। दीज ऑल एक्शंस आर, अच्छा जी ये सब छोड़ दो, छठी जी उसने कुछ नहीं किया, उसने एक बैंक को चिट्ठी भेज दी कि साहब वो जो मैंने लोन ले रखा आपने उसमें बहुत सारे चार्जेस लगा रखे, साहब मुझे कंफर्म करना मेरे से लोन लिया है। हाँ, वो आज की तारीख में मान रहा है कि मेरा लोन है, चाहे वो 15 साल पहले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ बुक में देखो, एक्ट गिविंग राइज टू फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पेज नंबर 333 पे। ठीक है, पॉइंट्स मैंने सारे बता दिए हैं, इनको थ्योरेटिकली आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। एक पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल लिखा हुआ वो मैं रीड आउट कर रहा हूँ। Where payment on account of a debt or of interest, किसका यानी कर्जा हो या उस ब्याज की देनदारी हो, on a legacy is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or his by his agent, agent भी आगे देखो भाई, company loan लेती है तो XYZ company तो आती नहीं, कोई उसका agent ही तो आता है, खुद लीगली कोई बंदा हो, लीगल हायर हो या वो हो ड्यूली ऑथराइज हो, इन द बिहाफ अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड। ठीक है, इन दिस केस डेट डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब देख लो, डिक्री में भी तो पैसा देना हो सकता है, कोर्ट ने दे दिया इनको 5 लाख का पेनल्टी दे दो, उसके लिए कितने साल है? दो मार्क्स का है, सॉलिड है, जिसमें लाने ही लाने, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लाने ही लाने वाला है। ठीक है, सही जो बताया आपने, कस्टमर के बचने के तरीके है क्या लोन से? अगर ये नहीं दे रहा तो कस्टमर बच रहा है, ये नहीं दे रहा आपके लिए तरीके कस्टमर को फंसाने के। वही पूछने वाला था कि लगभग 3 साल होने वाले, 5 दिन बचे हुए हैं, या तो उस भाई ने चिट्ठी दे दिया कि मेरा ये हम बच गए, अब कर दो, अब 3 साल हमारे पास टाइम हो गया उसको सूट फाइल करने के लिए, या कह रहे कुछ नहीं कर यार, ले मेरी जेब से 100 रुपए ले, तू यार तू जमा कर दे, तू जमा कर दे, साइन करके जमा कर दे, रिसीप्ट लेके जमा कर दे। ठीक है, कस्टमर भी जो कस्टमर, अब हम एक बात करते हैं, 4 या 5 बात और इंपॉर्टेंट रह गई वो जरा सुन लीजिए आप। ठीक है, बुक में आपके लिखा हुआ है 32 पेज पे कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहला वाला देखिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट क्लोज होगा तो कब आपका टाइम एक्सपायर होगा, तो उसमें लिखा हुआ देखिए, मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स, ध्यान रखिएगा जब कोर्ट दोबारा खोलेंगे वो पहला दिन तक आपको मौका मिलेगा। होता है ना 3 दिन के लिए बंद हो गया कोर्ट, ये हो गया, कभी किसी वकील की डेथ हुई तो आज कोर्ट बंद है तो आपका काम नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जितनी भी पिटिशंस वगैरह होती हैं उसमें इफ द एप्लीकेंट और एप्लीकेंट मेक्स आउट सफिशिएंट कॉज, कहने का मतलब है नियम तो बना दिए लिमिटेशन है, लेकिन अगर लगता है कि भाई साहब मेरे को केस करना था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, 6 साल से मैं कोमा में था और उसके बाद मैं होश में आ गया, तो वो सफिशियंट कॉज होगा, वो जज के ऊपर निर्भर करेगा, सफिशियंट कॉज देंगे तो आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें जो सी पॉइंट है, बोलता है द डे फ्रॉम विच सच पीरियड टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, कहने का मतलब क्या है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेड द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी, यानी कि आज से शुरू होना तो आज नहीं आएगा, उसके आगे से आएगा। और बोलता है द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील शैल एक्सक्लूड द डे व्हिच व्हेन द जजमेंट इज मेड, वो दिन शामिल नहीं होगा। और उसके बाद बोलता है
टाइम टेकन और प्रिंटिंग कॉपी ऑफ डिक्री वो भी शामिल नहीं होगा। फिर बोलता है सेंटेंस और ऑर्डर अपील, कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको कॉपी ना मिल जाए तब तक वो दिन शुरू नहीं होगा आपका। भले कॉपी 6 महीने में आई आपके भाई पोस्ट से, तो जिस दिन डिसीजन होता है जिसके अगेंस्ट जाना होता है वो जब आप तो रिसीव हो जाए। तो डी पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बोलता है कि अगर उस मामले में बीच में स्टे हो जाए, जैसे सपोज कीजिए सन 2010 में आपका कोई डिस्प्यूट रेज हुआ और आपने केस लगाना था, लेकिन उससे पहले वो स्टे लिया है और 3 साल तक कोर्ट ने स्टे रखा, तो वो समय माइनस हो जाएगा, यानी वो आपके 3 साल में नहीं आएगा। समझ रहे? माने 1 महीना पहले 3 साल का स्टे, फिर आगे तो 1 महीना वो 3 साल का स्टे आप हटा दीजिए, और स्टे में ध्यान रखिए जिस दिन ऑर्डर हुआ वो वाला दिन और जिस दिन हटा वो भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो वर्किंग डे में आते हैं। जिस दिन स्टे हुआ मान लिया सुबह 9 बजे हो गया, जिस दिन हटा शाम को 5 बजे हुआ हटा, तो वो दिन भी शामिल करते हुए उतने दिन का एक्सटेंशन आपको वो हट जाएंगे, और आपका जो पहला पीरियड बीता है वो प्लस जो हमारा 3 साल पूरे करना 1 साल बीता, तो 2 साल आगे बीच का पीरियड मान्य नहीं होगा। ठीक है, ई पॉइंट देखिए, फॉर फाइलिंग एनी सूट फॉर विच नोटिस हैज टू बी गिवन फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट एनी लॉ। तो इसमें बोलता है कि अगर आपको केस करने के लिए आईएएस के खिलाफ केस करना है आपको, तो आपको पता लगा सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी, उसे 3 साल में आपको परमिशन नहीं, वो परमिशन का टाइम के बाद 3 साल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जिस ड्यूरेशन में आपको परमिशन नहीं मिल रही है वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। आखिरी पॉइंट है इसमें, In computing the period of limitation any suit, the time during which the defendant has been absent from India and from the territory outside India under the administration of central government shall be excluded. यानी कि वो समय उसको केस करना था और वो क्या था, वो यहाँ था ही नहीं, तो उसको भी वो समय मान लिया, वो लंदन से आया उसके बाद समय मिल जाएगा। ठीक हो गया।